देखते हैं 11th क्वेश्चन। शो करना है इसमें, कहा है शो दैट, शो दैट मॉडुलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉडुलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस डॉट ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। यानी कि ये भी कहा है ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो, ये इफ टू नॉन जीरो वेक्टर, ये टू नॉन जीरो वेक्टर हैं। तो शो करना है आपको मॉडुलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, ब्रैकेट ले लें यहाँ पर, इज परपेंडिकुलर टू मॉडुलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको शो करना है। तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ये मॉडुलस ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, ये ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए डॉट बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए वेक्टर। और ये जब परपेंडिकुलर होंगे, अगर हम इसे ले लें वेक्टर ए और इसे हम ले लें वेक्टर बी, तो इसका मतलब ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपको प्रूव करना है जीरो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो हम लेते हैं यहाँ LHS, तो LHS है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर डॉट ए डॉट बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए वेक्टर। इसको सॉल्व करना है आपको, तो ए डॉट बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा ए डॉट बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा ए डॉट बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए वेक्टर। अब आपको करना है ए बी वेक्टर का, तो ए का ए में हो जाएगा ए स्क्वायर और बी वेक्टर। अब थोड़ा अगर हम इसे यहाँ देख लें कि ये जो हमारा ए डॉट बी होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। अगर इसे जीरो होना है तो जीरो ये तभी हो सकता है इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जीरो हो, मॉडुलस ऑफ और कर दो यहाँ पर, और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर जीरो हो,
या थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तब ये हो सकता है आपका जीरो। लेकिन ए ओ बी का आयाम से ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, जब ए और बी नॉन जीरो हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा जीरो, तो तभी ये जीरो होंगे, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 होगा। तो इसके लिए हम ले लेते हैं ए स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए बी मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, अब आपको देखना है कि माइनस ए बी ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए बी ए वेक्टर बी वेक्टर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये रहा आपका ए स्क्वायर बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये है माइनस बी स्क्वायर ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसे आप देखोगे ए बी स्क्वायर कहें या बी ए स्क्वायर कहें, दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, या ये देखो बी का मॉडुलस है वो मैग्नीट्यूड है और ये ए का, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या था, ये बी स्क्वायर था यहाँ पर और ये है ए का मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये आ गया जीरो। और यही हमें प्रूव करना था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड Hence proved that modulus A vector dot B vector plus modulus B vector dot A vector is perpendicular to मॉडुलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको प्रूव करना था। देखते हैं 12th क्वेश्चन दिया है, डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी आपको देखना है कि ये क्या हो सकता है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो है, इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो।
और जब हम उसी वेक्टर के लिए देखते हैं तो थीटा जीरो होता है, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस जीरो इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर ये वन हो गया इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये डेफिनेट हो गया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जीरो होगा। ये तो डेफिनेट है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जीरो है। अब अगर ये वेक्टर जीरो है तो इसको अगर हम देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो लाने के लिए, इसे हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जब a जीरो है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फिर b की कोई भी वैल्यू ले लें हम 2, 3, 4, 5, 8, 9 कुछ भी ले लें ये जीरो होगा, यानी कि b की किसी भी वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करता। हम b की कोई भी वैल्यू चाहे थीटा कोई भी ले लें या b कोई भी ले लें ये जीरो होगा। तो कोई भी b की वैल्यू हम ले लें या कोई भी थीटा ले लें, हमसे पूछा बी के लिए है तो कोई भी हो सकता है वेक्टर इसके लिए, तो हैंस वेक्टर वी कैन वी वेक्टर वी कैन वी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है इस पर डिपेंड नहीं करता एनी वेक्टर। जब हमारा वेक्टर मॉडुलस ए जीरो है तो ये ऑलरेडी जीरो होगा, इसकी किसी भी वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करेगा जीरो होना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हमें कंडीशन दी है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब हम ले सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर ने बताया है तो इनकी वैल्यू होगी वन। नेक्स्ट कंडीशन दी गई है इस तरह से है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू है जीरो, तो आपको प्रूव करना है यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम इसकी हेल्प लेंगे और हमें क्या करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम फाइंड करके इसमें अगर पुट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी जो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी को राइट में भेज देते इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब हमारी जो अप्रोच हमारा रहेगा वो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाइंड करने का है, तो इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर वन। और इसको हम अगर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लाना है तो ए वेक्टर से मल्टीप्लाइड करना होगा बोथ साइड को, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए बाई ए वेक्टर, ए वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर दें तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होगा माइनस सी वेक्टर,
तो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू वन है, तो वन प्लस ए वेक्टर ये क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमें फाइंड होती है माइनस वन माइनस सी स्क्वायर सी वेक्टर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब थोड़ा सॉर्ट करेंगे, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर वन जहाँ से हमें वैल्यू मिलती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमें बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर फाइंड करना है, तो इसमें हमें सी वेक्टर से मल्टीप्लाइड करना होगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए बाय हमें लाना है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो सी से मल्टीप्लाइड कर दें हम बाय सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की, ये है वन, तो बी वेक्टर यहाँ से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, या हम सी ए की वैल्यू ले सकते हैं यहाँ से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन इसी तरह से, तो माइनस वन माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए बाय वेक्टर बी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए बाय वेक्टर बी, इसमें मल्टीप्लाइड किया था सी वेक्टर से, अब बाय बी वेक्टर से करेंगे इसे, तो ए वेक्टर यानी कि बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर, ये वन हो जाएगा। हमें वैल्यू अब फाइंड करनी है, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर मिल गया हमें, सी वेक्टर ए वेक्टर मिल गया, तो हमें बी वेक्टर सी वेक्टर फाइंड करना है, तो इसको ले आए हम राइट में, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा वन, तो माइनस वन माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये है, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये है, तो इन तीनों को ऐड कर दें ऑन एडिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री, इनको हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको पहले लिख देते हैं, प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू माइनस वन माइनस ये क्या था सी वेक्टर, इसको हमने क्या लिखा है ए वेक्टर
कुछ छोड़ दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर माइनस सी वेक्टर, मैंने मल्टीप्लाइंग इसे किया है भाई, ए वेक्टर से मल्टीप्लाइड किया है इसे, तो ये आ गया ए वेक्टर वी वेक्टर वन, और ये यहाँ पर ए से, तो ये छोड़ दिया है सॉरी, ये हमने जब ए वेक्टर से इसे मल्टीप्लाइड किया है तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये आ गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये चलेगा इसी तरह से, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये आएगा ऐसे, तो यहाँ भी आएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर वन है ये। तो ऐड करेंगे यहाँ पर हम, तो माइनस वन माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर, माइनस वन माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस वन माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस वन माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इनको माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री हो जाएंगे, ये माइनस इसे हम ले सकते हैं माइनस थ्री, और ये राइट में लाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये आएगा राइट में तो प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में बी सी इक्वल टू सी वी हम लिख सकते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना इसमें, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो बी सी प्लस बी सी और प्लस ये हो गया सी ए प्लस सी ए इक्वल टू माइनस थ्री, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू माइनस थ्री, और टू को अगर हम कॉमन ले लें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू माइनस थ्री, और एक और स्टेप चलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस थ्री अपॉन टू। तो यही वैल्यू आपसे फाइंड करने को बोली थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हमने इसकी हेल्प से तीनों वेक्टर फाइंड किए डॉट प्रोडक्ट में और इनको ऐड कर दिया, तो वैल्यू आ गई माइनस थ्री अपॉन टू।